हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम फाउंड इन राजस्थान। तो जरा देखते हैं न्यूज क्या है। देखिए, अभी तक क्या होता था इंडिया में, जैसे ही हम यूरेनियम की बात करते थे तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ जादूगोड़ा जो सिंहभूम में झारखंड में है या फिर आंध्र प्रदेश के कुछ प्लेस दिखते थे जहाँ पर यूरेनियम मिलता था। बट अब राजस्थान में भी ह्यूज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम के विषय में पता चला है कि राजस्थान में भी बहुत बड़ा डिपॉजिट है। तो इस वीडियो में हम चलिए इस न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूरेनियम क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेज होते हैं उनकी को भी समझेंगे, और वर्ल्ड वाइड यूरेनियम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस नेशन में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, किस नेशन में कम है, उन सारी बातों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम यूरेनियम के विषय में समझते हैं। देखिए यूरेनियम की बात करें तो एक सिल्वरी वाइट मेटालिक केमिकल है जिसे डिस्कवर किया गया था 1789 में बाय द मार्टिन क्लैपरोथ के द्वारा। तो मार्टिन क्लैपरोथ ने 1789 में इसे फाउंड किया था। उससे पहले यूरेनियम के विषय में कोई नहीं जानता था। ये एक जर्मन केमिस्ट थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि जर्मन थे। हुआ क्या था कि देखिए 1789 में जब इन्होंने डिस्कवर तो कर लिया यूरेनियम के विषय में, लेकिन जो इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी थी, मीन्स जो एक्चुअल यूज था इसका, जो हम रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो 1886 तक आते आते फाउंड नहीं हुआ था, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। जब 1886 में पहली बार इसके रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी के विषय में पता चला तब जाके इसकी एक्चुअल यूज होने लगी। मीन्स 90s के टाइम के बाद से आप देखेंगे कि एक्चुअल यूजेज ऑफ यूरेनियम होने लगा है। तो ये तो बात होगी यूरेनियम के विषय में। अब जरा समझते हैं कि जो न्यूज है, जो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि वहाँ पर यूरेनियम फाउंड हुआ है, ये हुआ है, एक्चुअल लोकेशन है ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में, ये कैंडला तहसील है, वहाँ पर रोहिल एक प्लेस है, वहाँ पर ये फाउंड हुआ है। ये है नॉर्दर्न ईस्ट एरिया में, जो नॉर्दर्न राजस्थान एरिया है वहाँ पर ही ये सीकर डिस्ट्रिक्ट आप मैप में देख सकते हैं, तो यहीं पर फाउंड हुआ है। और जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि 1086 हेक्टेयर एरिया में, एक बड़े एरिया में पता चला है कि यहाँ पर यूरेनियम है। और जैसा कि अनुमान लगाया गया है, इसमें कहा गया है कि 12 मिलियन टन यूरेनियम वहाँ पर डिपॉजिट है। हो सकता है 12 मिलियन से ज़्यादा भी हो, कम भी हो, एक अनुमान है। 12 मिलियन डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम यहाँ पता चला है। तो ये देखिए बहुत बड़ा चीज़ पता चला है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक क्या होता था, हम इंपोर्ट करना पड़ता था, हमें बाहर से दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था, खास करके हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह के लिए। अगर इंडिया में ही और ज़्यादा मिल जाते हैं तो आसान होगा, और ज़्यादा जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह हैं। देखिए, इसके लिए राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने एक लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी किया है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, ताकि आप भैया यहाँ पर आइए और जितने भी यूरेनियम डिपॉजिट के विषय में पता चला है उसे बाहर निकालिए और वहाँ पर प्रोडक्शन कीजिए, ताकि उसका यूजेज हो सके। कहा गया है लेटर ऑफ इंटेंट में कि यहाँ पर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 3000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करेगी, एक लार्ज स्केल ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट करेगी। तो आप समझिए, जहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, जहाँ प्रोडक्शन होगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी होगी। यही स्टेट गवर्नमेंट का भी कहना है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है और इन्वेस्टमेंट होती है तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, लोगों को, साथ ही साथ रेवेन्यू भी मिलेगा, और जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला जो सिस्टम है वो पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई स्टेट गवर्नमेंट से क्या कहना है और यूरेनियम के विषय में हमने जाना। अब जरा हम समझते हैं कि यूरेनियम का एक्चुअल यूजेज क्या होता है। देखिए, यूरेनियम की अगर एक्चुअल यूजेज की बात करें तो हम क्या जानते हैं कि रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी के कारण इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत अदर फील्ड भी हैं जहाँ पर इसके यूज हैं, जैसा कि मेडिसिन फील्ड में भी यूज होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यूरेनियम का यूज होता है दवा बनाने में, साथ ही साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह है उन जगहों पर भी यूज होता है, और फोटोग्राफी भी, पॉइंट याद रखना है कि फोटोग्राफी में भी यूरेनियम का यूज होता है। देखिए 1886 से पहले मेनली इसका यूज फोटोग्राफी में ही हो रहा था, जब इसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी के विषय में पता चली उसके बाद जाकर इसका मेनली यूज होने लगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ये देखिए हो गई बात यूजेज की। अब जरा हम समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो यूरेनियम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3 नेशन मिलकर अकेले आप समझिए अप्रॉक्स 70% ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके यहाँ पर है, उन्हीं के यहाँ डिपॉजिट है। इनमें है कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। डाटा की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स समझिए 39% जो वर्ल्ड वाइड जितना भी यूरेनियम है उसका अकेले 39% कजाकिस्तान में है। कनाडा की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्स 22% यूरेनियम मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया में अप्रॉक्स समझिए 11% यहाँ पर यूरेनियम मिलता है। मतलब समझिए कि अप्रॉक्स 70% यूरेनियम जो है सिर्फ इन 3 नेशन में ही पाया जाता है। उसके बाद और भी नेशन है, जैसे नाइजर है, रशिया है, नामीबिया है, उज्बेकिस्तान है, यूएस है, यूक्रेन है, इंडिया में भी हमारे यहाँ मिलता है, मैप में देख सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पर नहीं मिलता जितना यहाँ पर मिलता है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, जैसे यूरेनियम इन जगहों पर मिलता है।
तो यहाँ से भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें यूजेज होती है। अगर ये इंडिया में प्रोडक्शन और लार्ज स्केल पर होता है तो समझिए हमें इंपोर्ट ड्यूटी जो वगैरह बचेगी हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉब्लम है, खास करके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से फुलफिल होने वाली है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.